हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेटेस्ट वेब लेआउट। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स होता है क्या है और उसका यूज हम कब करते हैं और किस कंडीशन में करते हैं। तो कंपैरिजन एक वर्ड से ही अपने आप में एक इंडिकेट कर रहा है कि कंपेयर करना, दो वैल्यू को कंपेयर करना और जो भी उस वैल्यू का जो आउटपुट आएगा वो ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करना। ठीक है, तो बेसिकली जो कंपैरिजन ऑपरेटर का जो हम यूज करते हैं इफ और एल्स के कंडीशन में करते हैं। कैसे, अब देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर कितने तरीके के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक होता है इक्वल टू, एक होता है इक्वल वैल्यू और इक्वल टाइप, एक होता है नॉट इक्वल, एक होता है नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप, फिर ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, लेस देन और इक्वल टू। मतलब ये जो सारे हैं ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। अब इसका किस कंडीशन में कब यूज होता है अभी आप जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं हमने दो वेरिएबल लिया, एक लेट एक्स इक्वल 5 लिया और वाई इक्वल हमने 10 लिया है। अब अगर इसको हम कंपेयर करते हैं भाई, अगर हम कंपेयर करेंगे ना कि हमारा एक्स की जो वैल्यू है वाई के बराबर है कि नहीं, अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा। आउटपुट आपके दो ही कंडीशन, दो ही सिर्फ आएंगे, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है इफ़ और एल्स कंडीशन में ही, बेसिकली इसका यूज होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स कंपैरिजन ऑपरेटर्स का प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले क्या है, अपना एचटीएमएल पेज मैं ओपन करता हूँ। इसमें जैसे मान लीजिए मैंने लिया लेट एक्स इक्वल टू 5 और लिया लेट वाई इक्वल टू 10। ठीक है, अब बेसिकली हम इसमें हम करेंगे क्या, अब हम कंपेयर करना चाहते हैं। हम कंपेयर ये करना चाहते हैं कि क्या एक्स की जो वैल्यू है वो वाई के इक्वल है। अभी हम इक्वल टू का यूज करेंगे। तब प्रिंट करने के लिए आपको पता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक चीज़ मिस्टेक कर रहा है, स्क्रिप्ट तो लिखा नहीं मैंने, स्क्रिप्ट के अंदर लिखना है ना, हम तो स्क्रिप्ट के बाहर लिख रहे हैं, तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान देना आप। ठीक है, अभी हम क्या यहाँ पे क्या करते हैं, तो देख कंपेरिजन करने का अब डायरेक्ट आउटपुट देख सकते हैं। तो सिंपल सा है, आपने यहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई किया, अब आपका आउटपुट क्या आना चाहिए। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक्स को वाई से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसको आपने सेव किया, अब इसको ओपन करते हैं हम, देखिए आया क्या, फॉल्स। फॉल्स क्यों आया, बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हैं ना, जो एक्स की जो वैल्यू है वो वाई के बराबर नहीं है। और ये इक्वल टू क्या चेक करता है, मैंने आपको बताया था ये इक्वल टू क्या करता है, ये इक्वल टू चेक करता है, ये डाटा टाइप चेक नहीं करता, सिर्फ इक्वल टू चेक करता है। अगर यहाँ पे हम 10 कर देते हैं, अब देखिए क्या आउटपुट आएगा आपका, ट्रू आ गया। मतलब क्या कर रहा है, सिंपल सा है, जो इक्वल टू जो काम करता है, इफ़ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड आर इक्वल देन द कंडीशन बिकम ट्रू। मतलब अगर लेफ्ट की वैल्यू राइट के वैल्यू के इक्वल है तो जो उसका आउटपुट आएगा वह ट्रू आएगा, अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स आएगा। अब हम देखते हैं, आप ऐसे ही देख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स एंड वाई करें। मान लीजिए आपने कुछ वैल्यू लिया है, एक्स ही ले लिया, सपोजेड आपने एक्स लिया है। अभी आपको बताऊंगा आगे इसका यूज कैसे, एक्स इक्वल टू मान लीजिए आपने यहाँ लिखा 8, अब देखिए क्या आएगा, फॉल्स आए, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू 10 है लेकिन एक्स आप देख रहे हैं एक्स क्या इक्वल है 8 से, नहीं है ना। तो जाहिर सी बात है, जब नहीं है तो आपको उसकी वैल्यू जो रिटर्न करेगा फॉल्स ही करेगा, ये चीज़ है। ठीक है, अब हम देखते हैं डेटा टाइप चेक करते हैं। जैसे बेसिक मान लीजिए इसका डेटा टाइप आपको पता है नंबर है। ठीक है, अगर हम इसको स्ट्रिंग ले लेते हैं, अब देखिए अभी आपको दिखाता हूँ, अभी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अगर हम एक और एक लगा देते हैं डेटा टाइप चेक करें, एक और इक्वल टू लगाते हैं, अब हम चेक करते हैं, अब क्या आएगा, अभी भी ट्रू आ रहा है। बट अगर हम यहाँ पर जिसका डेटा टाइप चेंज करते हैं, अब क्या आना चाहिए आउटपुट, आपके हिसाब से क्या आएगा, अब यहाँ पर आएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि
वैल्यू तो सेम है बट डेटा टाइप सेम नहीं है ना। और ये जो है ट्रिपल इक्वल टू अगर हम यूज करते हैं तो वैल्यू के साथ साथ वो डेटा टाइप भी चेक करता है। इस चीज़ का खासतौर पर ध्यान देना, आप इंटरव्यू में पूछता है कि अगर डेटा टाइप अगर चेक करना हो और वैल्यू भी चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। तो ट्रिपल इक्वल टू हम जब लिखते हैं उससे क्या होता है, उसके हम वैल्यू भी चेक करते हैं और उसके डेटा टाइप भी चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है एक और हमारा जो ऑपरेटर आता है, हमारा ऑपरेटर आता है नॉट इक्वल टू। ये अब ये ट्रू कब किस कंडीशन में होता है मैं आपको बता दूं। अगर लेफ्ट की जो वैल्यू है, मान लो लेफ्ट की वैल्यू 10 है, ठीक है, लेफ्ट की वैल्यू और राइट की वैल्यू के इक्वल ना हो, जैसे मान लीजिए ये है आपका 8, एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू 8 है, अगर लेफ्ट की वैल्यू वाई मतलब राइट की वैल्यू के इक्वल नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, तब ट्रू आएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगा, ट्रू है ना, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो ट्रू आ गया। अगर ये इक्वल होता ना तो क्या आता, फॉल्स आता। क्लियर, सेम इसी तरह होता है डाटा टाइप चेक करने के लिए, मतलब ना तो उसका वैल्यू इक्वल हो और ना ही उसका डाटा टाइप इक्वल हो, तब ट्रू आएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा, आपका आउटपुट फॉल्स आ रहा है। अगर डेटा टाइप इसका अगर हम इस तरीके से करते हैं, ट्रू आ गया, क्या बोल रहा है कि जो लेफ्ट का जो वैल्यू है राइट के वैल्यू के अगर इक्वल नहीं होगा तब ट्रू आएगा, तब इक्वल तो है नहीं इसलिए ट्रू आया। ठीक है फ्रेंड, अब बारी आती है हमारा ग्रेटर देन की। अब ग्रेटर देन क्या करता है, सिंपल सा, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने लिया 7, तो हम यहाँ पर कैसे चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं क्या x जो है ग्रेटर देन है y से, अगर है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स आएगा। अब देखिए क्या आता है, ट्रू आया। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर हमने लिख दिया 17 लिख दिया, अब देखिए क्या x y से बड़ा है, नहीं, फॉल्स आ गया ना, मतलब ये क्या ग्रेटर देन चेक, क्या x की वैल्यू y के वैल्यू से बड़ी है, नहीं है, फिर नहीं है तो जाहिर सी बात है फॉल्स आएगा। सेम इसी तरह होता है ग्रेटर देन हो और चाहे इक्वल हो, अगर मान लीजिए अगर हम इक्वल लिखते हैं, सिंपल से देखते हैं इक्वल लिखते हैं तो क्या आउटपुट आता है, अभी भी फॉल्स आ रहा, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा ग्रेटर देन होना चाहिए ना, लेकिन ग्रेटर देन तो है नहीं, लेकिन अगर चाहे वो ग्रेटर देन हो चाहे वो उसके बराबर हो, मतलब लेफ्ट की वैल्यू, ठीक है, राइट के वैल्यू के या तो बराबर हो या तो उससे बड़ा हो, तब आउटपुट आना चाहिए ट्रू। देखिए ट्रू आ गया आपका। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह आपका आता है लेस देन। अब लेस देन में क्या है कि लेफ्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू से छोटा हो तो आउटपुट ट्रू आएगा, मतलब जो लेफ्ट की वैल्यू है राइट की वैल्यू से छोटा हो तब ट्रू आएगा। लेकिन अभी क्या आएगा, ट्रू तो नहीं आएगा, फॉल्स आएगा, क्यों, क्योंकि जो लेफ्ट की वैल्यू है बड़ी है ना भाई, राइट की वैल्यू से बड़ी है, अगर यही अगर ये 18 होता आप देखिए ट्रू आएगा। सेम इसी तरह इक्वल टू का, ठीक है, सेम इसी तरह इक्वल टू का ट्रू, अगर इसके इक्वल है, अगर कम है फॉल्स। तो ये जो होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, आपको भी समझ में नहीं आया हुआ है, आप सोच रहे होंगे कि यार इसका तो बस है तो मैथ की तरह ही है, लेकिन इसका यूज कहाँ है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यूज कहाँ, हम जावास्क्रिप्ट में इसका यूज कहाँ करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, अभी तो क्लियर नहीं हुआ होगा, आई एम श्योर कि मैं तो आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगा, आप तो बस ये सोच रहे होंगे बस इन्होंने बता दिया कि इक्वल होती है आया ट्रू आएगा, छोटा होती है तब ट्रू आएगा, ये मतलब मैंने सिर्फ कंपैरिजन किया, बट रियल में इसका यूज कहाँ पर और किस कंडीशन में होता है ये तो आपने देखा नहीं। एक छोटा सा हम प्रैक्टिकल देखते हैं इफ और एल्स के कंडीशन में कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
मान लीजिए हमारे पास एक इनपुट है, अब देखिए आपको दिखाता हूँ, बहुत मस्त चीज़ दिखाऊंगा। अब लिया हमने, लिया माई इनपुट, सॉरी आईडी हमने लिया, हमने लिया इनपुट, ठीक है इनपुट टाइप लिया हमने। ओहो मतलब ये तो स्क्रिप्ट के अंदर नहीं लिखना है ना, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जा रही है। स्क्रिप्ट के बाहर लिखते हैं ना HTML, स्क्रिप्ट के अंदर तो सिर्फ JS लिखते हैं। हमने लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है इसकी आईडी लिया हमने माई इनपुट, कुछ भी ले सकते हैं ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और हम एक बटन लेते हैं, यहाँ पर बटन लिया हमने और उसके उसको दिया ऑन क्लिक पे, एक फंक्शन दिया माई फंक्शन दिया, ठीक है उसको एक फंक्शन दे दिया, अब बटन दे दिया क्लिक, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक और हम लेते हैं डिव, H1 टैग लेते हैं, H2 टैग लेते हैं, ठीक है, और उसको हमने आईडी दिया डेमो। हमने इतना HTML का काम कर लिया। अब जो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया उसका देखिए कैसे यहाँ पर हम यूज करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ पढ़ा है कंपैरिजन ऑपरेटर ये है ये वो है, अब इसका यूज कैसे करते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने आए, हम लिखा फंक्शन, फंक्शन नेम हमारा क्या है माई फंक्शन, आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं पास करना है हमें इसमें, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखते हैं, एक लेते हैं वेरिएबल लेते हैं और वेरिएबल हम लिखते हैं, एक सेकंड फंक्शन का यहाँ पे बंद होना चाहिए ना, लिखते हैं वेरिएबल लेते हैं हम, ठीक है वेरिएबल हम देते हैं, मान लीजिए लेटर दिया हमने, लेटर इक्वल टू दिया हमने डॉक्यूमेंट मेन डॉट डॉट गेट गेट एलिमेंट्स गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है हमारा आईडी क्या है माय इनपुट डॉट उसकी वैल्यू को, ठीक है। लेटर में हमने लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी हमने कॉल कर लिया, ठीक है। और एक और वेरिएबल लिया हमने टेक्स्ट, ठीक है एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। अब हम लगाते हैं इफ कंडीशन, जैसे मैंने बताया आपको कंपैरिजन ऑपरेटर का जो यूज होता है बेसिकली इफ और एल्स की कंडीशन में होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिया इफ, आगे जो मेरा ट्यूटोरियल आएगा इफ और एल्स की कंडीशन पे आएगा, ठीक है तो प्लीज़ उसको जरूर देखिएगा। इफ जो लेटर हमारा है, जैसे ये जो है लेटर की जो वैल्यू है, अब देखिए अब यहाँ पर देखिए वो होनी चाहिए, अगर मान लीजिए अगर हमारा टाइप करते हैं अगर सपोज सी, ठीक है तो क्या आना चाहिए आउटपुट, टेक्स्ट दिखा दो, टेक्स्ट में दिखा देना यू आर राइट, ठीक है। अगर नहीं है जैसा आपने लिखा यू आर राइट, अगर नहीं है, अगर इफ लेटर की जो वैल्यू है और डाटा टाइप सी है तब तो ये आउटपुट आ जाए, अगर नहीं है तो क्या आएगा, एल्स क्या आएगा, टेक्स्ट क्या आएगा रॉन्ग, ठीक है रॉन्ग इनपुट, ठीक है कुछ भी लिख सकते हैं इनपुट, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपने डॉक्यूमेंट हम अपना प्रिंट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें हम अपने डेमो को और उस पर इनर्स, ये ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब आगे अपन जो ट्यूटोरियल में पढ़ाऊंगा आपको तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, इसके बारे में आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। HTML इक्वल टू टेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या मैंने दिखाया आपको बता दूँ, बहुत क्लियर कर देता हूँ आपको बहुत सिंपल से वर्ड में। अब क्या है कि हमारा एक इनपुट है, इसको सेव करता हूँ पहले, देखिए हमारा ये इनपुट है बड़ा है इसलिए आपको इसलिए, ये हमारा इनपुट है, ठीक है इनपुट है क्लियर।
अब हम क्या, अब हमने यहाँ पर कंडीशन क्या लगाया है, इनपुट आप देख रहे हैं, बटन देख रहे हैं, ठीक है, और ये डेमो क्या है, उसमें आउटपुट आएगा, जो नीचे आउटपुट आएगा डेमो के अंदर आएगा। अब हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया कि जब क्लिक करे, जब इस बटन पे जब क्लिक करे, ठीक है, तो क्या फंक्शन आएगा। एक पहले तो हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया लेटर, आप यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल दे सकते हैं, लेटर टेक्स्ट कुछ भी दे सकते हैं। अब इसमें इस वेरिएबल में उसने क्या किया, स्टोर कर लिया इसको, जो हमारे इनपुट है इसको इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। मैंने आपको, मैं जो मेरा प्रीवियस वीडियो है आप उसमें वेरिएबल के बारे में अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि वेरिएबल में कैसे डिक्लेयर करते हैं किसी को, ठीक है। तो और इसने एक और वेरिएबल लिया टेक्स्ट, ठीक है। अब क्या किया, कंडीशन क्या चेक कर रहा है यहाँ पर, देखिए कंपेरिजन क्या कर रहा है कंडीशन लगा के। इफ जो लेटर है, ये जो लेटर है मतलब इसके अंदर इनपुट के अंदर अगर लेटर की जो की वैल्यू है और डाटा टाइप सी हो तो ये प्रिंट करे यू आर राइट। अगर मतलब दोबारा बताऊँ, अगर जो लेटर है मतलब लेटर मतलब कौन सा है ये, अगर जो इनपुट फील्ड है हमारा उसकी जो वैल्यू है और उसका जो डाटा टाइप है सी के इक्वल हो तब ये प्रिंट करे, अगर नहीं है तो रॉन्ग कर दे। सिंपल, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्लिक किया हमने तो रॉन्ग इनपुट, क्योंकि हमने कुछ इनपुट किया ही नहीं ना। अब मैं मान लिया हमने लिखा, अब दोबारा से कुछ रिफ्रेश करता हूँ, अब मान लिया हमने लिखा ए, क्लिक किया तब भी आ गया रॉन्ग इनपुट। क्यों आ गया, क्योंकि हम रॉन्ग इनपुट कर रहे हैं। अब देखिए हमने लिखा है सी, क्लिक किया यू आर राइट, मतलब क्या हुआ है इसका मतलब, अगर इसमें कुछ सी अगर टाइप करता है तो ये मैसेज आ गया, मतलब आपके जो डाटा टाइप आप ये टाइप किया आपने। अगर यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, मतलब आपको दिखा रहा हूँ कि कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज ही इसी तरह होता है। अब यहाँ पर हम लगा सकते हैं लेटर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी है यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था जो कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं हम बेसिकली इफ और एल्स की कंडीशन में करते हैं। तो यहाँ क्या दिखा रहा है, लेटर की वैल्यू और डेटा टाइप सी हो तब तो ये प्रिंट करेगा, अगर नहीं होगा तो ये कर लेगा। अब जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं सी, क्या आता है रॉन्ग इनपुट, बोला आपने सी तो लिखा है, अगर ऐसे होता ना अगर ऐसे होता, रिफ्रेश करूँ और हम ऐसे लिखते हैं सी रॉन्ग इनपुट, अच्छा डाटा टाइप नहीं चेक कर, सॉरी डाटा टाइप नहीं चेक कर रहा, ठीक है ये रॉन्ग इनपुट हो गया। इसीलिए कंपेरिजन ऑपरेटर के यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, बस वैल्यू चेक करने के लिए, मान लिया ये इस तरीके से अगर आप कुछ यहाँ कुछ लिखते हैं रॉन्ग आ गया, अगर आप ए लिखते हैं तब भी रॉन्ग, अगर लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखते हैं यू आर राइट। तो मतलब इस तरीके से कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये तो एक आप छोटा सा एक प्रैक्टिकल है आ गया, जो अब मेरा वीडियो आएगा इफ और एल्स के ऊपर ही आएगा, तो आप उस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा आप उसको। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।